दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डेली कलेक्शन शीट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्योंकि दोस्तों, डेली कलेक्शन शीट की हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी कि सर डेली कलेक्शन शीट हमें दीजिए। अभी तक दोस्तों हमने प्रोवाइड की हुई थी मंथली कलेक्शन शीट, वीकली कलेक्शन शीट और 15 डेज की कलेक्शन शीट। अब हम इस वीडियो में डेली कलेक्शन शीट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास डेली कलेक्शन शीट दोस्तों रेडी हो गई है। तो चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर है या फिर नहीं है, लेकिन ये वाली सीट आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप इसको अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं। फ़ोन में ये उतने अच्छे से मतलब दोस्तों वर्क नहीं करती है जितना कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में वर्क करती है। और अगर आप फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो फ़ोन के लिए दोस्तों या तो एक्सेल, एमएस एक्सेल फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक WPS ऑफिस ऐप होती है वो आप डाउनलोड करके इसको उसमें ओपन करके और एडिट मोड अलाउ करके इसको दोस्तों यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी दोस्तों हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है या फिर आप अपने कंप्लाइंस हमारे थ्रू करा रहे हैं, पहले से रजिस्टर्ड है, क्योंकि अभी तो दोस्तों ऑलमोस्ट रजिस्टर नहीं हो रही है, पहले आपकी अगर रजिस्टर हो रखी है हमारे यहाँ से अगर हुई है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। ये सीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपनी कंपनी कहीं और रजिस्टर कराई है या आप कंप्लाइंस कहीं और से करा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, फिर भी आपको ये सीट मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक है, आप हमारे इंस्टा जो स्टोर का, आप उस पर क्लिक करके, और दोस्तों नॉमिनल फीस है 199 की, आप उसको पे करके ये सीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे, पेमेंट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, या फिर डाउनलोड का लिंक आपकी मेल या फिर मैसेज में आएगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे ये यूज करनी है प्रॉपर तरीके से, उसकी सारी डिटेल दोस्तों हम इस वीडियो में ही आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें नेम ऑफ एप्लीकेंट डालना है दोस्तों यहाँ पर, और उसके बाद लोन गिवन फॉर, यहाँ पर वैसे ड्यूरेशन हमारा नीचे भी आ जाता है, तो ये ड्यूरेशन आप डालें या ना डालें, पर्पज डालें या ना डालें, पर्पज हमारा फॉर्म में भी आ जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो एप्लीकेशन नंबर है या फिर कहें कि अकाउंट नंबर है, वो दोस्तों आपको जरूर डालना है। एप्लीकेशन नंबर, अकाउंट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जो हमने आपको एक लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया होगा, उस फॉर्म में हमने एक एप्लीकेशन नंबर दिया था, मतलब एक तरह से अकाउंट नंबर होता है, जैसे कि बैंक में अकाउंट नंबर होता है। आप जाके अपना नाम नहीं बताते कि मेरा नाम मिस्टर रमन है, आप कहते हैं कि जी मेरा जो अकाउंट नंबर है सर इतना है, वो सारी डिटेल बता देते हैं। तो आपको एक अकाउंट नंबर देना है सभी कस्टमर को, जिससे कि दोस्तों वो सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन हो सके। ठीक है, अब इस साइड में हमें क्या करना है दोस्तों, इनपुट वैल्यू लेनी है, और इस साइड में रिजल्ट हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सीट है दोस्तों, इसमें फॉर्मूले ऑलरेडी सेट हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप ना सर फॉर्मूले हमें नहीं बताते हैं, तो दोस्तों फॉर्मूले बताने की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आपको सीट समझाया जा रहा है। आप माइक्रो फाइनेंस के लोग हैं, तो आप एक अकाउंटेंट नहीं है कि आपको फॉर्मूले चेक करने हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी चीज़ में कि सर हमें इसमें कुछ वो लग रही है या फिर हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई चीज़ गलत लग रही है, हम उसको एक बार रीचेक करके आपको उसका सोल्यूशन देंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी सारी डिटेल जो है समझने के लिए इस वीडियो में ही आपको बताई जाएगी। तो इनपुट वैल्यू दोस्तों हमें यहाँ पर डालनी है, लोन अमाउंट कितना है, प्रोसेसिंग फीस दोस्तों 1% की हम चार्ज कर सकते हैं, फाइल चार्ज स्पेसिफाइड नहीं होता है तो हम जो है 1%, 2% या 3% चार्ज कर सकते हैं। इंश्योरेंस फीस हम चार्ज कर सकते हैं नहीं, इंश्योरेंस फीस दोस्तों आप तभी चार्ज कर सकते हैं अगर आपने आगे से इंश्योरेंस कराया हुआ है अपने लोन का किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से। अब इंश्योरेंस कैसे हो सकता है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। इंश्योरेंस दोस्तों जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो आपका इंश्योरेंस हो सकता है। टोटल लोन दोस्तों हमारा कितना है वो हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। इंटरेस्ट रेट दोस्तों 26% की मैक्सिमम होती है, और क्या सर हम इसको अप और डाउन कर सकते हैं, अप नहीं कर सकते दोस्तों, डाउन कर सकते हैं। ड्यूरेशन इन डेज, यानी कि कितने टाइम के लिए दोस्तों हम लोन दे रहे हैं, जैसे कि साल में दोस्तों अगर हम एक बोलें तो 365 डेज हमारे होते हैं, कई बार 366 भी हो जाते हैं, कई बार 364 भी होते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं 365 डेज। अगर आप किसी को 6 महीने के लिए दे रहे हैं, यानी कि जनवरी से और जून तक के लिए, तो आपको कैलेंडर में देख करके डेज दोस्तों कैलकुलेट करना है कि किसी महीने का 31 है, किसी का 30 है जी, किसी का क्या है 28 है जी फरवरी का, जैसे कि, तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आपको 180 आ रहा है, 182 आ रहा है, 183 आ रहा है, उस तरीके से डेज दोस्तों डालने हैं, है ना। और ये जो सीट है दोस्तों ये यूजफुल होती है खास करके जो हमारे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनसे कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि वो 20,000 या 50,000 का लोन ले लेते हैं, उसको 6 महीने में चुकाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि एक साथ में मुझको ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि डेली उनके पास पैसा आता रहता है, तो चाहते हैं कि मैं सीधा 100 का नोट या 100-150 रुपये उठा करके डेली दे देता हूँ, है ना, जिससे कि उनको आसानी रहती है लोन रीपे करने में, दोस्तों रिटर्न करने में।
और आपको भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपका कलेक्शन जो है दोस्तों इजी हो जाता है अगर कोई डेली पर्सन ईएमआई चुका देता है तो ये काफी अच्छा सिस्टम है डेली वाला। और ये काम आप दोस्तों या तो आरबीआई रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी या फिर सेक्शन हेड माइक्रो फाइनेंस में ही कर सकते हैं, निधि कंपनी में ये काम अलाउड नहीं होता है दोस्तों। तो ये हमने डाल दिया है जी, ड्यूरेशन हमारा हो गया है, रिजल्ट हमारा कितनी रुपए की इंस्टॉलमेंट आएगी, मैंने ये रुपीज में लिखा हुआ है, वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी, टोटल पेमेंट जो हमारा आएगा वो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। और ये जो है टोटल इंटरेस्ट, ये दोस्तों तभी आएगा अगर आप जो है 1 साल के लिए कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 365 डेज, 365 डेज कर रहे हैं तो ये कैलकुलेट हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट, अदरवाइज इसको वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आप टोटल पेमेंट में से ये वाला प्रिंसिपल अपना लॉस कर लेंगे, लेस कर लेंगे लोन का अमाउंट, तो टोटल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। अब जो लोन अमाउंट है, प्रोसेसिंग फीस है, फाइल चार्ज है दोस्तों, अब कुछ कहीं आता है कि सर ये टोटल करके ही क्यों लिखा है, लोन तो 30,000 का है। तो दोस्तों लोन लेने के 3 तरीके हमारे पास होते हैं, तो 3 तरीके होते हैं, जैसे कि अगर कोई 30,000 का लोन लेने के लिए आया है और 1-1% के हमारी प्रोसेसिंग एंड फाइल चार्ज हैं, ठीक है, तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम उनको पूरे 30,000 का लोन देते हैं और 600 रुपये उनसे अलग से हम ले लेते हैं, ठीक है, उनसे हमने कैश में ले लिए कि जी आप हमें 600 रुपये दो और 30,000 का अपना लोन ले जाओ, तरीका वन। अगर हम ऐसे करते हैं यानी 600 रुपये उनसे पहले ले लिए, तो हम फॉर्म में तो लिखेंगे कि हमसे 30,000 का लोन लिया है, 1% का ये था, 1% का ये था, ठीक है। और दोस्तों जब हम ईएमआई कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम 300 300 नहीं लिखेंगे, ये हम दोस्तों क्या कर देंगे, 0 0 कर देंगे, यानी कि फिर हमारे कितने को जाएगा, 30,000 पे ही हम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका, हमने 30,000 का लोन दिया, ठीक है, और हमने उनको क्या है 300 300 रुपये ना ही उनसे एडवांस में लिए और ना ही लोन में से लेस किए हैं, समझ रहे, तो हमने क्या किया उनको जो है लोन का पार्ट बना दिया, यानी कि उनको 30 का दिया, हमने कहा कि 600 रुपये जो है हम आप उन्हें ईएमआई में दे दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा, जिससे आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये काफी सही रहता है। तीसरा तरीका दोस्तों, लोन अमाउंट में से लेस करके बाकी का जो अमाउंट है वो कस्टमर को दे दो, 30,000 का लोन अमाउंट है, 600 रुपये की हमारी प्रोसेसिंग फीस और फाइल चार्ज हो गया, तो 39,400 रुपये का हमने उनको लोन दे दिया, 600 रुपये, लेकिन अपना हमने लेस कर लिया, तो फिर भी हम ईएमआई जो है कितने पे कैलकुलेट करेंगे, 30,000 पे ही दोस्तों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने उनसे अलग से ले लिया, उसी में से लेस किए, लेकिन लोन हमारा कितने का है, 30,000 का, ठीक है। अब आप समझ गए, मतलब अकॉर्डिंगली आप ये चेंज कर सकते हैं। ये दोस्तों डेज है हमारा, यानी कि ईएमआई नंबर मान सकते हैं आप, इंस्टॉलमेंट नंबर मान सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटरेस्ट जो है हमारा, अगर हमने 30,000 का दिया और इस तरीके से किया, 26% का, 365, यानी 1 साल के लिए हैं, पर एनम की ये क्या है दोस्तों, रेट है 26% की, यानी कि रिड्यूसिंग मेथड पे एनुअल रेट है दोस्तों ये, ठीक है जी। अब यहाँ पे इंटरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट दोस्तों हर महीने हमारा कम होता चला जाता है, और ये हमारा दोस्तों क्या है, प्रिंसिपल हमारा हर दिन बढ़ता चला जाएगा हर इंस्टॉलमेंट पे, तो टोटल हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, इतने की हो जाएगी। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल क्या होता है, इंस्टॉलमेंट हमारी किस्त होती है, किस्त इस केस में हमारी कितने की आ रही है, 95 रुपये 24 पैसे की। क्या सर हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं जी, अगर आप इसको 95 रुपये लेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा, है ना, कितने का लॉस होएगा, अगर 365 हम करेंगे इंटू 24 पैसे हम कर देंगे तो जी आपको लगभग 91 रुपये 25 पैसे का लॉस हो जाएगा। तो या तो आप क्लाइंट से कीजिए जी, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आप पूरे 95 रुपये 24 पैसे की ही इंस्टॉलमेंट पे कर दो, यूपीआई मार दो, और अगर वो कैश में दे रहे हैं तो आप उनसे 96 रुपये ले लो, क्योंकि आप कम करेंगे तो आपका लॉस होगा, 96 ले लेंगे थोड़ा सा आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं ये कैलकुलेशन। और ये जो सीट है दोस्तों, हमने इसमें 2 साल से ऊपर तक का 740 EMI तक का दिया है, अगर उसके बाद भी आप जो है इसमें इंक्रीज करना चाहते हैं ईएमआई, है ना, तो आप जो है ये लास्ट वाली रो, सिर्फ लास्ट वाला जो है, चारों के चारों कॉलम आपको एक बार सेलेक्ट करने हैं और नीचे आएंगे ऐसा करके, जितने भी आपको कंट्रोल बी कर देना है, तो ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, आपको सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर देना है। देखो ये भी अपने आप बढ़ता चला गया, 740 से 41 42 ऐसे करके हो गया, और ये भी फॉर्मूले साइड है, अभी नम नम आएगा लिखा हुआ, न्यूमेरिकल एरर ये इसमें आता है, क्योंकि अभी हमने 365 तक के ले दिया और हम ये आगे के लिए ले जा रहे हैं। अब जैसे मान लो 756 तक हो गया, अगर हम ड्यूरेशन में 756 ही डाल देंगे तो ये सब में कैलकुलेट कर देगा, ये देखो ये देख सकते हैं ना, 756 तक हमारा हो गया है, तो जितना हमारे कॉलम खाली रहेंगे, अगर हम मान लो 90 डेज के लिए ही कर रहे हैं तो 351 रुपये 14 पैसे की हमारी ईएमआई है, और
90 तक हमारा ये प्रॉपरली कैलकुलेट हुआ है, 91 से नम नम हो गया है। तो इसकी वजह से आप टेंशन ना लें कि सर कुछ एरर तो नहीं है, एरर नहीं है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल एरर होती है, यानी कि जिस कॉलम में डाटा है उसी के लिए ये डिटेल बताता है। अगर जिसमें डाटा ही नहीं है तो उसकी डिटेल ये कैसे दोस्तों बता पाएगा। आई होप कि आप अब समझ गए होंगे। तो अगर आपकी कंपनी हमारे थ्रू रजिस्टर्ड है, कंप्लाइंस हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो दोस्तों हमें व्हाट्सअप कर दीजिए या मेल कर दीजिए, आपको ये सीट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप कहीं और कराते हैं, ये करा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप ये सीट फिर भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के थ्रू दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी हमारी डिस्क्रिप्शन में है, कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। जो भी जेन्यून कमेंट होगी या फिर जेन्यून आपकी दोस्तों क्वेरी होगी तो हम उसका रिप्लाई हमेशा करते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसकी दोस्तों डिस्कस कर ली है। डेली कलेक्शन की है, सीट है दोस्तों, और वीकली आपको चाहिए, 15 डेज की सीट चाहिए, मंथली चाहिए, तो आप हमारे इंस्टा मोजो स्टोर में जा सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनके लिंक डाल दूंगा। वीकली इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करें, 15 डेज के कैसे करें, मंथली कैसे करें, तो वो आप कर सकते हैं। अब कुछ की क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस अभी रजिस्टर हो रही है या नहीं। तो दोस्तों जिस समय वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी दिसंबर 2023 24 दिसंबर को, तो अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, अभी रजिस्टर नहीं हो पाएगी, इसलिए हम दोस्तों अभी न्यू केसेस नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप हमें अपनी डिटेल अगर मेल कर देंगे या व्हाट्सअप कर देंगे सब्जेक्ट में माइक्रो फाइनेंस लिख करके, तो कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। डिटेल में दोस्तों आप अपना नाम है ना, ऑक्यूपेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर लिख करके ही डालना है। कोस्टिंग सेक्शन एंड माइक्रो फाइनेंस की दोस्तों हमेशा चेंज होती रहती है। हम वैसे जो मार्केट में रेट है, कंप्लायंसेस के हम ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि कंप्लायंसेस में क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। और दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो जैसे आगे से कॉस्ट आती है उसके हिसाब से हम चार्ज करते हैं। हमारी फीस वैसे काफ़ी रीजनेबल रहती है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की। तो इस तरीके से ही दोस्तों आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।